नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में जब रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया तो वो लगातार फंसती चली गई। फिर इस केस में ड्रग्स एंगल की भी एंट्री हुई। एनसीबी ने इस मामले की जांच करनी शुरू की और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती रही। आखिरकार रिया को ड्रग्स मामले में जेल जाना पड़ा, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया है कि एनसीबी ने ड्रग्स केस में उन्हें अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की एक सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के दौरान उन्हें नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया का कहना है कि एनसीबी ने पूछताछ के दौरान उन्हें दोष स्वीकार करने के लिए ऐसे बयान देने पर मजबूर किया है। एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ करने के बाद रिया को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। मजिस्ट्रेट अदालत उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील सतीश मान शिंदे ने जो जमानत याचिका दी है उसमें कहा गया है कि हिरासत के दौरान याचिकाकर्ता रिया को दोष स्वीकारने वाले बयान देने पर मजबूर किया गया। एक्ट्रेस ऐसे सभी कबूलनामे औपचारिक तौर पर वापस लेती हैं। याचिका में रिया ने ये भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर जरूरी है और बिना किसी कारण के हुई है। मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया। बुधवार को ये याचिका उनके वकील सतीश मान शिंदे की ओर से दायर की गई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उन्हें फंसाया गया है।